नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं नैनीताल के कैंची धाम आश्रम में। आप यहां देख सकते हैं कि कितनी ही प्यारी प्यारी पहाड़ियां, वादियां हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। हमारी बसें अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर रही हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग कैंची धाम आश्रम में पहुंच जाएंगे। आपको बता दूं कि कैंची धाम आश्रम में जाने का जो रास्ता है वो इतना सुहाना, इतना प्यारा देखने में लगता है कि शायद इस वीडियो में वो इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन रियल में जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप यकीन मानिए आपका दिल यहीं बसने का करेगा। अभी देखिए, यहाँ पर छोटा सा एक पुल है और इसके नीचे से जो नदी गई है वो अभी बिल्कुल सूखी हुई है, तो यहाँ पुल पर थोड़ा सा जाम जैसा लगा हुआ है। लेकिन आप यहाँ से देखिए पहाड़ियाँ, इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़, और नदी सूखी भी है तो भी इतनी प्यारी लग रही है कि आप मतलब खो जाएंगे यहाँ। कहते नहीं है कि पहाड़ों में खो गए। तो चलिए पहुँचते हैं कैंची धाम के रास्ते पर। तो ये कैंची धाम के लिए पैदल यहाँ से जो हम लोगों ने बस है वो स्टैंड पर खड़ी कर दी गई है, और यहाँ से पैदल हम लोग कैंची धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये कैंची धाम के लिए सड़क यहाँ पर जाती है, और नीचे आप देखोगे तो आपको साइड में बाईं तरफ ये मंदिर सा दिख रहा है ना, रेड रेड सा, ये कैंची धाम आश्रम ही है पूरा। ये आप प्रांगण देख रहे हैं, ये पूरा ही कैंची धाम आश्रम है। आपको बता दूँ कि यहाँ भी पहुँचने के बाद भीड़ भाड़ चाहे जितनी हो, लेकिन आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप पूछिए नहीं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा ये मंदिर, और इससे पहले ही यहाँ पे आपको नदी मिलेगी, उसका ही सीन बहुत प्यारा है। और मंदिर के अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं है, क्योंकि हमने पता लगाया था ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री आप जैसे ही लोगे, नीचे स्टेयर्स हैं, आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो ये पुल जैसा है, इसके नीचे से नदी निकली हुई है जैसे अभी आपको दिखाया था। तो नदी में अभी पानी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें बाढ़ आड़ का पानी आता होगा जब बारिश बहुत ज़ोर होती होगी, तो अभी पानी बिल्कुल ना के बराबर है। तो अब यहाँ से ये जो रास्ता है, जैसे ही आप पुल क्रॉस करोगे, या पहले नदी देखिए, ये पानी बिल्कुल ना मत, तो जैसे ही आप ये पुल क्रॉस करोगे तो आगे मेन गेट ये है, ये मेन गेट आ जाता है। इस मेन गेट के अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप मतलब हाथ में भी मोबाइल नहीं पकड़ सकते। तो सॉरी, अंदर का मैं आपको बिल्कुल वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, और बाहर का आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि कैंची धाम आश्रम आइए, आपको बहुत शांति मिलती है। तो सच में आपके चाहे जितनी टेंशन हो, चाहे जितना कुछ भी आपके जीवन में तकलीफ़ चल रही हो, आप एक बार यहाँ जरूर जाएं। आप थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपनी तकलीफें भूल जाएंगे, और नीम करोड़ी बाबा आप सब पर कृपा बरसाएंगे। दूर से ही देखिए आप कितना प्यारा मंदिर लग रहा है, ठीक है ना। तो आश्रम पूरा अंदर मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन अंदर का आश्रम भी उतना ही साफ़ सुथरा, प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता यहाँ पर, दूर से आप ले कर आ रहे हैं तो दिखा दे सकते हैं, बहुत साफ़ सफाई के मद्देनज़र ये काम किया जाता है। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है, दूर से आप दिखा दीजिए और मंदिर की तरफ से आपको प्रसाद मिलता है, आप उस प्रसाद को लीजिए, ग्रहण कीजिए और बाबा नीम करोड़ी का आशीर्वाद लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और सारी आध्यात्मिक बातों के साथ, आध्यात्मिक दर्शन के साथ, धार्मिक दर्शन स्थलों के दर्शनों के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दृश्य को देखिए। अगर आप कभी गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कब आप बाबा नीम करोड़ी के दर्शन करने गए हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में धार्मिक बातों के साथ, या किसी धार्मिक स्थल की हम लोग वहाँ पर घूमने जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको ज़रूर वहाँ पर दिखाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, राधे राधे।